और बार एसोसिएशन को इस मामले में बहुत सख्ती से खड़े होना है। मैं समझता हूं कि वकला को लाहौर के वकला को डिवाइड करने के लिए यह एक तरकीब निकाली गई है, जिसमें साबका सदर भट्टी वार्ड था और मौजूदा साबका चीफ जस्टिस भट्टी वार्ड था और मौजूदा चीफ जस्टिस का भी किरदार अफसोसनाक है। इसी साथ मैं कहूंगा कि पिछले दो साल से ये काम हो रहा है, लेकिन राव सभी साहब बतौर सदर लाहौर का और फिराना इंतजार बतौर सदर लाहौर का इन्होंने मुकम्मल रिसर्च पेश की थी, जिसकी वजह से कुछ हो नहीं सका। मैं तवक्को करता हूं मौजूदा सदर लाहौर का से कि उन्हीं दोनों के मामले को आगे ले जाते हुए मुकम्मल फिरदार की जाए, ताकि कोई अफिया का अदालत यहां से किसी और जगह न जा सके। जब कराची में पांच इजला की अदालतें एक जगह हो सकती हैं, तो लाहौर में एक जिले की अदालत इकट्ठी नहीं हो सकती। इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं हो सकती और इसको रजिस्टर करना हम सबका फर्ज है, लाहौर के हर वकील का फर्ज है। और मैं कहूंगा कि तकारीर से अमल ज्यादा जरूरी होता है। आपको एक अदालत बाहर नहीं ले जाने देनी चाहिए थी। आप जब एक इजाजत देते हैं उससे रस्ते खुल जाते हैं, लिहाजा अब आपको और हिम्मत करनी पड़ेगी, ताकि अगर कोई अदालत यहां से बाहर गई भी है तो वापस लाई जाए। और इसके लिए वकला के थाल भी चाहिए और इसके लिए अजम भी चाहिए, जो अजम आसानी से नहीं हासिल होता। बहरहाल अगली जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस का किरदार अफसोसनाक है, लाहौर बार के मामला में भी, लाहौर की अदालतों के मामले में भी, और ये जो हाफजाबाद में हुआ है उस हवाले से भी बड़ा काबिल अफसोस इनका किरदार रहा है। हम सबको इस बारे में वाज होना चाहिए कि हम इस किस्म के